एंगिन अल्तान को बुलाया, सलमान भाई को भी बुला रहा हूँ और इंशाल्लाह बुलाता रहूंगा क्योंकि मेरे लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान सबसे आगे है। आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको देख रहा हूँ। दूसरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता कि सलमान खान पाकिस्तान आ रहे हैं। सुनने में आया कि आपने उनको $1 million के इवज बुलाया लेकिन उनको कुछ $5,000 तक दिए गए, क्या ये सही है? मसला ये हुआ था कि आधी पेमेंट उसको भेजी थी, जो आधी पेमेंट भेजनी थी वो थे स्टेट बैंक ने रोक दी मेरी पेमेंट कि आपके पास पेमेंट कहाँ से है। मैं कहा मेरे बड़ों ने कमाई हुई, ये इधर के लोग थे जिनको मैंने उस टाइम मिलवाया नहीं या जिनकी कुछ ऐसी डिमांड थी जो मैंने नहीं पूरी की, क्योंकि जारी वो मेरा मेहमान था, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, तो उस वजह से ये इशूज़ को क्रिएट किया गया। तो ये पाकिस्तान में देखें, अगर जब आपको पता चले आप कुछ ऐसे काम करें जो लोगों से नहीं बर्दाश्त हो रहे तो वो कोई ना कोई क्रिटिसाइज करने के लिए उनको बात चाहिए जिसकी वो खाल खुद निकाल लेते हैं। फैसलाबाद से आगे हमारा गाँव है मियाँकोट, वहाँ के सबसे फेमस और अल्हम्दुलिल्लाह रिचेस्ट फैमिली हमारी है। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे जो लोग हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह घर का जो राशन है, घर का जिनका घर का किचन है, जिनके स्कूल की यूनिवर्सिटीज की फीसें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुझ नाचीज के जरिए जा रही हैं। 0333-3140 मेरा नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली राबता करें। आपको कोई भी इशू हो, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कोई बंदा सपोर्ट चाहे ना करे, इंशाल्लाह काशिफ ज़मीर अपनी अवाम अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सारा ख़ान, आप देख रहे हैं डेली धरती चैनल। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब कॉम्प्लेक्स में, जहां पर सोमी अली खान का नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। वहीं पर हमारी मुलाकात होगी डिफरेंट पर्सनैलिटी से। आज हम यहां पर एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी काशिफ ज़मीर साहब से मिलेंगे, उनसे कुछ वक्त लिए हैं, जानते हैं उनके बारे में, उनकी मसरूफियात के बारे में कि आजकल वो क्या कर रहे हैं और किस नई आने वाली पर्सनैलिटी को अपकमिंग पाकिस्तान बुलाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप काशिफ? अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ, आज आप मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, सोमी अली खान का बहुत अच्छा सॉन्ग लॉन्च हुआ है, कैसा लगा आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, सोमिया खान के मैंने खुद भी जो है एज़ अ मॉडल मैंने उनके वो सॉन्ग्स किए हुए, और सोमिया का माशाल्लाह बहुत अच्छा वो टैलेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ों को करती हैं, तो मेरी दुआ कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। आमीन। और मुझे ये बताइए कि क्रिकेटर्स को आप कितना सपोर्ट करते हैं और क्रिकेट में आपका कितना लगाव है या सिर्फ ये बस मैचेस तक ही है? नहीं, क्रिकेट को मैं पंजाब अंडर 16 की तरफ से खुद भी क्रिकेट खेला हुआ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑलराउंडर भी था मैं, तो लेकिन बस कुछ बिजनेसेस और इन चीज़ों की वजह से मैंने वो छोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट जो है मुझे बहुत शौक है, अभी भी कभी कभी टाइम मिले तो संडे को ज़रूर खेलता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा ये हमें एक नई बात आपके बारे में पता चली है कि अंडर 16 में भी खेलते रहे थे, बड़ा टैलेंट है भैया आपने, कहाँ आप टिकटॉकर हैं, कहाँ पे कितनी माशाल्लाह उभरती हुई पर्सनैलिटी हैं, साथ में आप क्रिकेट में भी आपका बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रहा, बहुत अच्छा लगेगा हमारे नाज़रीन को आपका एक नया रूप देख कर। अच्छा काशिफ मुझे ये बताइए कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको देख रहा हूँ। दूसरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता कि सलमान खान पाकिस्तान आ रहे हैं, बस उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी एक जिस तरह लास्ट टाइम एंगिन अल्तान अर्तुल गाजी को पाकिस्तान बुलाया था लेकिन कुछ हर्डल्स और कुछ मामला बन गए थे जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन इस दफ़ा कुछ जगह सलमान भाई जब आए पाकिस्तान में तो ऐसा कोई मामला ना बने, तो उसी की तैयारी में लगे हैं इंशाल्लाह। मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि जिस तरह लास्ट टाइम, हम थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं आपसे डिस्कशन करना, लास्ट टाइम जैसे गाजी हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, कुछ लोगों को डेफिनेटली अच्छा नहीं लगा होगा। मुझे ये बताइए कि सुनने में आया कि आपने उनको $1 million के इवज बुलाया लेकिन उनको कुछ $5,000 तक दिए गए, क्या ये सही है? देखिए सबसे पहली बात है कि वो कोई गली मोहल्ले का अदाकार तो नहीं है हमारे पाकिस्तान, $5,000 में तो हमारियों सईद भी नहीं जाता कहीं पर भी इस तरह, ठीक है, तो वो तो फिर एंगिन अल्तान है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर उसकी जेब में कुछ गया था तो वो पाकिस्तान आया था, पहली बात। और खुद फर्दे वहाद उसका कोई आज तक एक सिंगल ट्वीट भी नहीं है। ये मसला ये हुआ था कि आधी पेमेंट उसको भेजी थी, जो आधी पेमेंट भेजनी थी वो थे स्टेट बैंक ने रोक दी मेरी पेमेंट कि आपके पास पेमेंट कहाँ से है। मैं कहा मेरे बड़ों ने कमाई हुई, उसकी वजह से इशू बनाएगा, लेकिन फिर भी मैं उस बंदे को एंगिन अल्तान को दाद देता हूँ कि उस बंदे ने देखें आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया। ये इधर के लोग थे जिनको मैंने उस टाइम मिलवाया नहीं या जिनकी कुछ ऐसी डिमांड थी जो मैंने नहीं पूरी की, क्योंकि जारी वो मेरा मेहमान था, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, तो उस वजह से ये इशूज़ को क्रिएट किया गया। काशिफ क्या लगता है आपको, क्या वजह होती है जब भी हम पाकिस्तान में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ प्रमोट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, बहुत सारी हर्डल्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती हैं, ऐसा क्यों लगता है आप? इसकी सिर्फ वजह यह है कि जैसे मैं आपको बताऊं बुशा कि हमारे पाकिस्तान में ये मामला कुछ इस तरह से कि किसी को ऊपर जाता हम देख ही नहीं सकते। देखिए मैं अपनी बात करूं, मैं कहता हूं अगर अल्लाह ताला किसी को कामयाबी दे रहा है मुझसे ज़्यादा दे, अगर किसी को कोई पैसा दे रहा है मुझसे ज़्यादा दे। देखिए किसी से आप जेलस होंगे, कोई चीज़ करेंगे, इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी नीयत साफ रखें तो काशिफ ज़मीर से ज़्यादा अल्लाह ताला आपको हर चीज़ देगा।
बिल्कुल आमीन, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जैसे ही अर्दुगुल जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, जहाँ एक तरफ तो आपने उनको बुलाया, उनको इनवाइट किया, साथ एक जो फेम ज़्यादा मेरा ख्याल आपको मिली वो ये मिल गई कि जी काशिफ पकड़े गए, इन पे रोबरी के इल्ज़ाम आ गए, पैसा इनका जो है वो ब्लैक मनी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई सामने, इसका आपकी इमेज पर कितना फ़र्क पड़ा? नेगेटिव पब्लिसिटी डेफिनेटली हुई, लेकिन आपको कितना इस चीज़ से नुकसान हुआ? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि आप जब अल्लाह ताला आपको नाम इज्जत देता है, कांटे फूलों के साथ होते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं, अगर ये मुझे ये चीज़ हुई, आज हमारे मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर देख लें, हमारी CM देख लें, इवन के अडयाला जेल में जो एक कैदी बंद है, वहाँ तक इमरान खान को भी, वहाँ तक इन सब लोगों को कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इवन के वो लोग ऐसे नहीं हैं। तो ये पाकिस्तान में देखें, अगर जब आपको पता चले आप कुछ ऐसे काम करें जो लोगों से नहीं बर्दाश्त हो रहे, तो वो कोई ना कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए उनको बात चाहिए जिसकी वो खाल खुद निकाल लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप जब खुद सही हैं तो किसी के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। काशिफ, साथ ही आपने बात की टेक्सटाइल मिल आप इस वक्त रन कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये आपके फादर का बिज़नेस है या आपकी इसमें अपनी कितनी इनपुट है, कितनी आपकी इसमें खून पसीने की कमाई शामिल है? देखें, इसमें मेरी बहन ये चीज़ है कि ये हमारा बहुत अच्छा एक ख़ानदानी बिज़नेस चल रहा था शुरू से, जद्दी पुश्ती हमारा ये चल रहा है, कपड़े का हम व्यापारी रहे और अपने इलाके में सबसे ज़्यादा फैसलाबाद से आगे हमारा गाँव है मियाँकोट, वहाँ के सबसे फेमस और अलहम्दुलिल्लाह रिचेस्ट फैमिली हमारी है। तो वहाँ ये चीज़ों को हम शुरू से चला रहे हैं। कंट्रीब्यूट इसमें मेरा ये है कि उसमें मैंने अच्छी स्ट्रगल की, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे अच्छे कॉन्टैक्ट्स दिए, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया मैंने अपनी इंडस्ट्री में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें कामयाबी दी। अल्लाह आपको आगे भी कामयाबी दे। मुझे साथ ये भी बताइए काशिफ कि वैसे तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं, जो हमारे अच्छे फैंस हैं जो आपके लिए दुआगो हैं, अब वो ये जानना चाहते हैं कि आप कुछ चैरिटी वर्क भी करते हैं, अगर करते हैं तो किस तरह का करते हैं, और जिन लोगों को आपसे कुछ मे बी इन द लॉन्ग रन आपसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो आपसे किस तरह से रابطہ कर सकते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैं एक नाचीज़ बंदा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझ नाचीज़ को अल्लाह ने बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे जो लोग हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह घर का जो राशन है, घर का जिनका घर का किचन है, जिनके स्कूल की यूनिवर्सिटीज़ की फीस हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुझ नाचीज़ के ज़रिए जा रही हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है, लेकिन फिर भी किसी को कोई ख़ास शोबे, किसी भी किस्म की कोई बीमारी है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान होता है, उसमें इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, किसी भी तरह की जरूरत है, 0333-1340 मेरा नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली राबता करें, आपको कोई भी इशू हो, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कोई बंदा सपोर्ट चाहे ना करे, इंशाल्लाह काशिफ ज़मीर अपनी अवाम अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जबरदस्त, मैं तो खुद भी कहूँगी कि गवर्नमेंट तो बहुत देर बाद पूछती है अवाम को, पहले तो ये लोग सामने आते हैं जो खुद वॉलेंटरीली आपके लिए काम करना चाहते हैं। नंबर दे दिए नाज़रीन इन्होंने आपको, अगर आप में से कोई भी इनसे रابطہ करना चाहता है किसी अच्छे मकसद के लिए तो ज़रूर रابطہ कर सकता है। काशिफ कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मैं यही कहना चाहूँगा, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने नीयत को साफ रखें। देखें आप, हमारा मुल्क इस टाइम ऐसा है कि हमारा पासपोर्ट जब भी किसी यूरोपियन कंट्री में जाता है तो वो साथ ही ग्रीन पासपोर्ट देके आपको साइड पे लगा लेते हैं, आपको पूरी अच्छी तरह चेक किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में वो दुनिया चल गया है कि वो कहें कि यार पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं। लेकिन देखें, अगर आप लोग जो मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह 80% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो 20% मुझसे हसद करने वाले लोग हैं, उन लोगों को मैं ये बात कहूँगा, देखें आपके ये काम करने सिर्फ हमारे पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एंगिन अल्तान को बुलाया, सलमान भाई को भी बुला रहा हूँ और इंशाल्लाह बुलाता रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान सबसे आगे है। तो आप लोग अपनी नीयत साफ रखें, मुझसे ज़्यादा अल्लाह ताला आपको सब कुछ नवाजेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया, टाइम निकाला, जजाकअल्लाह, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने बात की इस वक्त काशिफ से, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, इमर्जिंग पर्सनैलिटी है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, टिकटॉकर हैं, बहुत तरीक़ों से लोग इनको जानते हैं। अगर आपने नेक्स्ट भी इसी तरह की किसी फेमस उभरती हुई पर्सनैलिटी से मिलना है, इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट एपिसोड भी देखिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सारा खान को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।